वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं शाही फालूदे की रेसिपी बना रही हूँ, जो बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं शाही फालूदा। फालूदे के लिए थोड़ा सा हम खोए को पका लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच दूध ले लिया है। ये फुल फैट क्रीम है, इसमें मैं खोआ ऐड कर रही हूँ। तो खोया पक गया है, फालूदे के लिए खोया तैयार है। अब हम इसकी स्टोकी फ्लेम बंद कर देंगे और खोए को बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम फालूदे के लिए सेव बनाएंगे। तो फालूदा सेव हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए मैं वर्मासेली से सेव बना रही हूँ। मैं वर्मासेली की सेव बना रही हूँ, ये वाली सेव बनी इसकी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप पानी गर्म कर लिया है। इसमें मैं 2 टीस्पून इसमें मैं शक्कर ऐड कर दूंगी और इसमें बॉईल आने का वेट करूंगी मैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा, देख सकते हैं आप मैं कितना थोड़ा सा कलर ले रही हूँ, इतना ही काफी है। देख सकते हैं अब पानी में बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें 1 कप वर्मिसली ऐड कर रही हूँ। इतना ही पानी डालना है जितना की वर्मिसली। तो देख सकते हैं आप जितना पानी मैंने यूज किया था, ये वर्मेसली के लिए काफी है। स्टोव की फ्लेम बंद कर दूंगी मैं। अब वर्मेसली पक गई है, इसे भी मैं ठंडा कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने सब्जी के बीज भी भिगा लिए हैं। अगर आपको पता नहीं है कि सब्जी के बीज या सब्जा सीड किसको कहते हैं, तो ये है सब्जा सीड, इस तरीके से रहते हैं ये। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगा दिया था सब्जी को। ये मैंने डीमार्ट से लिया है, बहुत सस्ता होता है ये। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत ठंडा होता है। तो मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगा दिया था। ये 2 बड़े चमचे या आप कह सकते हैं ये 1 कप सब्जा है, इसे मैंने 1 ग्लास पानी में भिगो दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने सेवी बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है और ये खोया भी ठंडा हो गया है। अब हम फालूदा बनाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जा डाल देंगे ग्लास में। अब हम इसमें जो हमने सेवई बनाई है फालूदे के लिए वो ऐड करेंगे। अब खोया ऐड करेंगे। अब हम इसमें रोज सिरप ऐड करेंगे। इसकी कुछ क्वांटिटी खास नहीं है, आप जो चीज आपके हिसाब से कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं आपकी मर्जी से। इसमें मैं फुल क्रीम मिल्क ऐड करूंगी क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो इसमें हम फाइनली आइसक्रीम ऐड कर रहे हैं, ये मेरी घर की बनाई हुई आइसक्रीम है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब हमारा फालूदा तैयार है, शाही फालूदा। तो बनकर तैयार है शाही फालूदा। अगर आपको मेरी ये फालूदे की रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक फालूदे की रेसिपी शेयर की है जो मैंने चाइना ग्रास से बनाया है, तो ज़रूर चेक करिए वो रेसिपी को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।